लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा कांग्रेस ने शुरू किया रोजगार दो न्याय दो अभियान। अजमेर क्लब में लोकसभा चुनाव जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक, पोस्टर का किया विमोचन। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर युवा कांग्रेस द्वारा रोजगार दो न्याय दो पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसके तहत भाजपा सरकार द्वारा किए गए 2 करोड़ नौकरी के वायदे को जुमला करार देते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, रैलियां और मशाल जुलूस निकाले जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस अभियान से जुड़ने के लिए कोई भी युवा कांग्रेस द्वारा जारी किए गए नंबर पर मिस कॉल भी कर सकता है। शनिवार को अजमेर क्लब में राजस्थान प्रभारी मोहम्मद शाहिद, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, छाया विधायक शिव प्रकाश, अजमेर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा सहित जिला कार्यकारिणी के सदस्य व यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बताया गया कि राजस्थान यूथ कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। इसके लिए 25 लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष व विधायक अभिमन्यु पूनिया भी एक लोकसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोजगार के मुद्दे पर है। जिस तरह से सरकार वादा खिलाफी कर रही है, 5000 राजीव युवा मित्रों को प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही बेरोजगार कर दिया गया, ऐसे में अब युवा सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने को तैयार है। निश्चित तौर पर ये अभियान अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नौजवानों को जागरूक करेगा और ये आने वाला लोकसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। मैं अजमेर की तरफ से सम्मानीय हमारे प्रदेश प्रभारी का यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश जिस दिशा में जा रहा है, इस बार नौजवानों ने ठान लिया है कि हमें रोजगार दो न्याय दो, इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जाए। धर्म की राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, इस कारण से ये देश अलग दिशा में जा रहा है। नौजवान इस बार जागरूक है, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अजमेर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। कितनी सीटें अनुमान लगाते हैं? निश्चित तौर पर मैं अजमेर की बात करूं तो यहां 8 विधानसभा, जिसमें हमारे दूदू भी आता है, यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े सक्रिय हैं, वो जन जन तक जा रहे हैं और पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार है उस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर ये नौजवान जनता के बीच में जाने वाले हैं। मैं कल जयपुर में शहीद स्मारक बैठा था धरने पे। जिस प्रकार ये सरकार, भाजपा सरकार, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे सत्ता पे आई और सत्ता में आते ही आनन फानन में एक आदेश जारी कर दिया और 5000 परिवार जो राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगाकर आम जन तक पहुँचाने का काम कर रहे थे, उनको आनंद फानंद में बिना उनके आजीविका का कोई देख के, बिना उनके भविष्य के साथ कोई न्याय करके उन्होंने एक फैसला निकाला। मानते हैं उनकी मंशा शुरू से ही उनकी कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन सरकार की योजना का नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन 5000 परिवारों के साथ जो खिलवाड़ किया है युवक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस पार्टी इस आदेश को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम जनता देने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान यूथ कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। कल 25 लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें हर प्रत्येक लोकसभा में प्रभारी नियुक्त हुए हैं। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और MLA अभिमन्यु पूनिया जी खुद एक लोकसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमारे कई ऐसे राष्ट्रीय सचिव हैं जो राजस्थान से हैं, वो लोग भी एक लोकसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उस रणनीति के तहत देशव्यापी जो एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर राहुल जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, और युवाओं से जुड़ा एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। राजस्थान में इसका आलम ये है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इस केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने कोई कार्य किया तो वो राजस्थान के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। राजीव युवा मित्र के 5000 से ज़्यादा युवा साथियों को बेरोजगार किया। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो साथी राजस्थान के नहीं थे? क्या वो राजस्थान, उनका परिवार राजस्थान का नहीं था? 5000 परिवारों को आप रातों रात बेरोजगार करते हो तो उनका परिवार भी सड़क पर आता है। ऐसी ही 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। आज 10 साल हो गया,
हालात ये हैं पूरे देश में कि रोज़गार के लिए युवा सड़क पर घूम रहा है, परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है, परंतु ये सरकार जिस प्रकार अपने सारे वादों को जुमला साबित करती है, उसी प्रकार रोज़गार के मुद्दे पे भी उनका स्टैंड क्लियर है कि वो एक सिर्फ जुमला है। तो इन सारे विषयों को लेकर, युवाओं के हितों को ध्यान पे रखकर, राजस्थान यूथ कांग्रेस में न्याय रोज़गार दो न्याय दो कैंपेन का आगाज़ हुआ है। आज उसको लेकर लोकसभा की एक अजमेर लोकसभा की बैठक आयोजित हुई है और उसका पोस्टर विमोचन रोज़गार दो न्याय दो अभियान की शुरुआत किया जाएगा। इस अभियान में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर रैलियां होंगी, मशाल जुलूस होंगे और युवाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा हमारा एक मिस कॉल नंबर है जो इस प्रदेश और इस जिले के, इस लोकसभा के जितने युवा हैं उस पर मिस कॉल देख करके इस आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे बीच में विधायक आदरणीय विकास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, छाया विधायक भाई शिव प्रकाश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब मिलकर आज की जो रणनीति हमारी है इसको लेकर आगे आगामी लोकसभा चुनाव में कार्य करने जा रहे हैं। अजमेर लोकसभा जिले स्तर की आज हमारी बैठक की गई है अजमेर क्लब के अंदर, जिसमें हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं मोहम्मद शाहिद जी, वे हमारे अजमेर जिले के किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी जी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वे युवाओं को संबोधित किया है। आज हमारी मीटिंग का एक यही उद्देश्य है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जो युवाओं को जो रोज़गार की जो जुमलेबाजी की गई थी, जो हमको बातें बोली गई थी, उसी को लेके रोज़गार दो न्याय दो जो हमारा स्लोगन है, जो राहुल गांधी जी ने हमारे कांग्रेस ने निकाला है, उसी लोगों के साथ साथ में रोज़गार के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और आगामी दिनों के अंदर अजमेर युवा कांग्रेस मशाल जुलूस के साथ में नरेंद्र मोदी जी को बताया जाएगा कि जो 10 साल के अंदर उन्होंने जो जुमलेबाजी की है, उस जुमलेबाजी को देखते हुए उसका विरोध प्रकट करते हुए और आगामी लोकसभा चुनावों के अंदर राजस्थान के अंदर अजमेर लोकसभा सीट के साथ साथ में और भी लोकसभा सीटों पर विजयी बनाने के लिए उसकी मुहिम की आज बैठक की गई है। साथ ही प्रदेश प्रभारियों ने प्रत्येक विधानसभा अध्यक्षों के साथ मिलकर चर्चा की गई, बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे सारी टीम गठित हो रही है और आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा के साथ साथ में युवा कांग्रेस ने कमर कस ली है और आगे कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है।